हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण एंड आई वेलकम यू ऑल टू जीके गुरुकुल। आज का जो हमारा नेक्स्ट सेशन है लूसेंट की, जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसमें नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है हाई कोर्ट। इससे पहले वाली क्लास में हमने सुप्रीम कोर्ट देखा था। मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि अगर आपको हाई कोर्ट को एक्सप्लेन में अच्छे से इलाबोरेटली पढ़ना है तो उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। 90% ऑफ द चैप्टर सेम है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एक स्टेट का जो हेड होती है जुडिशरी का, उसको वो हाई कोर्ट होती है। हाई कोर्ट के अंदर ही हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं और अदर जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं। और हमारे देश में जो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स हैं इस टाइम पे वो 25 हैं। लूसेंट का जो मेरे पास ये वाला मॉडल है बुक का, इसमें 24 कोर्ट्स दिया है। तो अगर आपकी बुक में 24 है तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना, क्योंकि अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर का 370 रिपील होने के बाद ये कोर्ट भी ऐड हो गया है। उसके बाद में तीन कोर्ट ऐसी हैं जिसका ज्यूरिसडिक्शन मोर देन वन स्टेट है, और वो स्टेट्स के मैं आपको नाम बता देती हूँ। पहला तो है चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा दोनों शेयर करते हैं जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। उसके बाद में है असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ये चारों जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, इनका एक ही हाई कोर्ट है, वो है गुवाहाटी। उसके बाद में गोवा एंड मद्रास का भी दोनों एक ही शेयर करते हैं बॉम्बे। गोवा भी बॉम्बे गोवा के लिए भी बॉम्बे को ही अपॉइंट किया है जो भी उनका जुडिशियल मैटर्स होते हैं। बाकी नेक्स्ट है कि दिल्ली का जो हाई कोर्ट है, सिर्फ एक ही ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना अलग से हाई कोर्ट है, वो है दिल्ली। अभी वैसे जो लद्दाख नया बन गया है उसका यूनियन टेरिटरी, ये जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है ये इसके अंडर आता है। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, वैसे आपको ये चीजें पता होंगी। उसके बाद में नेक्स्ट में है कि इनका जो जजेस है इनको कौन अपॉइंट करता है। जनरली ना हम यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट होता है जजेस का, वो बाय प्रेसिडेंट किया जाता है, और हमें लगता है कि अगर इसका प्रेसिडेंट करता है तो हाई कोर्ट का फिर कौन करेगा, गवर्नर। लेकिन ये गलत हो जाएगा, हाई कोर्ट का भी प्रेसिडेंट ही करेगा। इनका अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल दोनों सेम होता है एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब कि इनको रिमूव भी बाय प्रेसिडेंट ही किया जाता है, एंड रिमूवल का प्रोसेस भी सेम ही है एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद में है कि इनको बनाने के लिए ऑफिस होल्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें मेंशन है। सबसे पहले तो इनकी जो एज है वो 62 ईयर्स होना चाहिए। अभी आपको ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए कितनी एज होना चाहिए, ये मैंने अपने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, एंड ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। देखो जो चीज़ें मैं आपको बोलती हूँ ना कि कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ, तो आपको आंसर करना चाहिए वो चीज़ें, क्योंकि आपको भी पता चलेगा ना आपको सेशन अटेंड करने के बाद कितनी चीज़ें आप सीख रहे हो, कितनी चीज़ें आप रिकॉल कर पा रहे हो। आंसर तो एनीवे आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट में अपने हमने देख लिया कि अगर रिजाइन करना है तो प्रेसिडेंट के पास ही रिजाइन करना पड़ेगा। अगर जो इनका जो ट्रांसफर का जितनी भी चीजें हैं, भले ट्रांसफर की चीजें होगी, भले इनके अपॉइंटमेंट की होगी, भले इनकी इम्पीचमेंट की होगी, वो सारी चीजें भी बाय प्रेसिडेंट ही देखा जाता है। अगर मान लो एक स्टेट को स्टेट में किसी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करना है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो वो भी प्रेसिडेंट ही करेगा। उसके बाद में देखो जब इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है ना हाई कोर्ट के जजेस का, तब उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ तो कंसल्टेशन किया ही जाता है, साथ साथ में ना गवर्नर के साथ में भी, स्टेट का जो गवर्नर होता है उसके साथ में भी एक बार कंसल्ट कर लिया जाता है, उसके बाद में इनका अपॉइंटमेंट होता है। रिमूवल देख लिया, उसके बाद में ये भी देख लिया कि इनका जो रिमूवल है वो एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, सेम होगा। उसके बाद में इनकी क्वालिफिकेशन है, ये इंडिया के सिटीजन होने चाहिए 10 साल के लिए, कहीं भी इन्होंने इंडिया की किसी भी टेरिटरी में इंडिया की ही टेरिटरी में किसी भी जुडिशियल ऑफिस में काम किया होना चाहिए, 10 साल के एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर ये एडवोकेट रहे होने चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में, वो भी 10 साल के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है कि दोनों में 10-10 साल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाले में ऐसा नहीं है। रिकॉल करो कि सुप्रीम कोर्ट वाले में क्या क्या है। और एक और चीज ध्यान में रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट वाले में ना एक एक्स्ट्रा है। सुप्रीम कोर्ट वाले में क्या है कि अगर आप एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो ना तो भी आपको अपॉइंट किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि
कि आप एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो तो आपको तब भी अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है ये हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट में कहीं नहीं है। उसके बाद में इनका जो टेन्योर है वो 62 ईयर ऑफ द एज जब तक है, जो 62 साल के हैं तब तक ये अपनी नौकरी कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं ना ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि इनका मिनिमम एज या मैक्सिमम एज कितना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। जो सैलरीज हैं अलाउंसेज हैं ऑफ द हाई कोर्ट जजेस वो भी चार्ज होती है अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, मतलब स्टेट का जो होता है ना उसी स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से होता है, और सुप्रीम कोर्ट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, और जब ये रिटायर हो जाते हैं ना तब ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया होते हैं, इनकी जो सैलरी पेंशन जाती हैं तब वो इंडिया वाले से जाती हैं। नेक्स्ट है जो हाईकोर्ट के जजेस हैं वो रिटायरमेंट के बाद किसी भी और कोर्ट के अंदर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर काम नहीं कर सकते, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जहां पे उन्होंने नहीं काम किया है वहां पे एक्सेप्शन है, वहां पे वो काम कर सकते हैं जहां पे उन्होंने पहले इससे काम नहीं किया। जैसे सुप्रीम कोर्ट में वो मैंने आपको बताया था कि जैसे एडहॉक जजेस अगर अपॉइंट करना हो, अगर उतना ज्यादा मतलब हमारे पास में मशीनरी नहीं है या फिर उतने ज्यादा काम करने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं है जजेस का, तब उस केस में प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर सकते हैं। इसको इलैबोरेटली समझने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर एक बार देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से बताया है, सेम ही हाई कोर्ट वाले चैप्टर में है। उसके बाद में हम जल्दी से ज्यूरिसडिक्शन देख लेते हैं जो इसमें मेंशन नहीं है, लक्ष्मीकांत सॉरी क्या बोलते हैं लूसेंट में मेंशन नहीं है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट में था पहला है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा था कि वो फेडरल कोर्ट उसको बोला जाता था, उसके अंडर जो जितने भी केसेस होते थे स्टेट वर्सेस स्टेट या फिर स्टेट वर्सेस सेंटर वो देखे जाते थे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंडर। लेकिन जो हाई कोर्ट का है ना इसमें ये फंडामेंटल राइट्स का भी देख सकते हैं, प्लस फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ में अदर ज्यूरिसडिक्शन भी देख सकते हैं। अदर जैसे कौन सी होगी, मान लो कि डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी रेवेन्यू की रिलेटेड अगर मैटर है, या फिर अदर कोई भी जैसे मैरिज विल या फिर कंपनी लॉस का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई भी इस तरह का केसेस है, वो भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर हाई कोर्ट में देखा जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है रिट ज्यूरिसडिक्शन। जो हमने रिट ज्यूरिसडिक्शन देखा था सुप्रीम कोर्ट में वो एक्सक्लूसिव था। एक्सक्लूसिव मतलब था कि आर्टिकल 32 जो है फंडामेंटल राइट्स का रिट्स का वो इसी को ही डायरेक्टली देखता था, मतलब इसी का ही डायरेक्टली इसी को होल्ड करता था। अगर हमारी इम्पीचमेंट हो रही है किसी भी फंडामेंटल राइट की तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर डायरेक्टली रिट ज्यूरिसडिक्शन में आर्टिकल 32 के अंडर हम देख सकते थे, तो ये इसकी एक्सक्लूसिव मानी जाती थी कि ये सिर्फ इसी के अंडर ही देख सकता है रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंडर। लेकिन हाई कोर्ट में ओरिजिनल में भी देख सकता है और रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंडर भी आर्टिकल 32 को टैकल किया जा सकता है। तो ये बोला जाता है कि हाई कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है इस मामले में वो ज्यादा वाइडर है क्योंकि वो दोनों तरीके से देख सकता है, लेकिन ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है क्योंकि आर्टिकल 226 जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट के अंडर नहीं आता है। उसके बाद में है और हाई कोर्ट के जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, सॉरी मैं ये पॉइंट मेंशन करना भूल गई कि उसमें ना आर्टिकल 32 के रिलेटेड मैटर्स भी देखे जाते हैं प्लस अदर मैटर भी देखे जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है एपलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपलेट ज्यूरिसडिक्शन में ये सिर्फ क्रिमिनल एंड सिविल केसेस देखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाले में अगर आपको याद हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी देखे जाते थे एपलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंडर, क्रिमिनल भी देखे जाते थे सिविल भी देखे जाते थे, एंड स्पेशल लीव वाले केसेस मतलब कोई भी सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है उसका केस वो अपने अंडर लेके आ सकते थे बाय वे ऑफ स्पेशल लीव, लेकिन इसमें सिर्फ क्रिमिनल एंड सिविल है एपलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंडर। उसके बाद है सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। देखो सुपरवाइजरी जो ज्यूरिसडिक्शन है ना वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास में है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास में नहीं है, तो ये क्वेश्चन किसी प्रीवियस ईयर के किसी स्टेट एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, कंटेम्प्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, वो हर कोर्ट के पास है ही, कोई भी कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो ये चैप्टर बस इतना ही है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हाई कोर्ट से थोड़ी डिफरेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी डिफरेंट है हाई कोर्ट वाले में मैंने आपको बता दी, और बाकी यहाँ पे सब अच्छे से दे रखा है कि कौन कौन सी कोर्ट है, कौन कौन सा बेंच है, कौन सी स्टेट का कोर्ट कहाँ पे लगता है, तो ये आप सब देख सकते हो। आज का सेशन यहीं पे है, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है वीडियोस देख के, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो,
और वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक भी जरूर करो। सो आज का लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच।